सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती सुंदर शाम के लिए। पूरा दिन हमारे साथ रहे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता मदद करी और हर एक साथ रहे। आज विशेष प्रेरित उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में चिंता करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, आपको संभालेगा, आपके हर एक परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता करके आप अपने जीवन में ना एक घड़ी बढ़ा सकते हो और ना एक घड़ी घटा सकते हो। जो जन चिंताओं में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके दुखों को, आपकी चिंताओं को, आपकी समस्याओं को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपकी सिचुएशन को सुधारेगा और आपके हर एक दुख को, हर एक समस्याओं को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें हर एक दुख से, हमें हर एक चिंताओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर मैं हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर शांति देता है, हमें सुकून देता है। जब जब आपको लगे कि चिंताएँ बढ़ रही हैं, दुख बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर के समीप जाएँ, परमेश्वर के सम्मुख बैठें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आपकी चिंताओं को, आपकी समस्या जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। जो जन परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर उनके सारे दुखों को, सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको संभाले, आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्य करेगा और आपके जीवन में शांति को लेके आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी दुख हैं आपके जीवन में, जितने भी समस्याएं, वो परमेश्वर को आप सौंप दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, सारी परेशानियों को और सारे अंधकार की शक्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सारी चिंताओं से परमेश्वर आपको फ्री करेगा, आपको छुटकारा देगा। आप बड़ी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को आप ग्रहण करेंगे। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। आइए हम वचन पढ़ेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। विश्वास के साथ वचन को सुने और ग्रहण करें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसकी 5 अध्याय और 6 आयत और 7 आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवत हाथ के नीचे रहो, दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवत हाथ के नीचे रहो और दीनता से रहो, दीन रहो, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हें जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ हैं, तो हमें परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाएगा। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हमारा परमेश्वर सही समय आने पर हमारे सारे दुखों को, सारी चिंताओं को दूर करता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ चिंताएं, कुछ दुख हमारे इसलिए हम पे आते हैं कि हम उनसे कुछ सीखें, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हम बलवंत बनते हैं, जो परमेश्वर में बढ़ाता है हमें।
इसलिए हमें खुद अपनी चिंता ना करके अपने परमेश्वर पे छोड़ दें और अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को परमेश्वर के वचन में लगाएं, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है, हमारा खुदा है, हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है जिसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर आपको हर एक चिंता से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से आपको निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर में बने रहें। प्रभु इनके शरीर को भला चंगा स्वस्थ कर। परमेश्वर मेरे खुदा, परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष को इनके जीवन में मांगते परमेश्वर प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, दया कर, दया कर प्रभु। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन के रिसीव करते परमेश्वर प्रभु, ये अपने जीवन में सेम न रहे परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर दया कर प्रभु। बड़े बदलाव को परमेश्वर इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। बड़े बदलाव को इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं परमेश्वर प्रभु, अपनी होली स्पिरिट को बढ़ाएं परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो परमेश्वर दर्द से पीड़ित है परमेश्वर, घुटनों में दर्द है परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर दया करे परमेश्वर प्रभु। ओ मेरे खुदावन प्रभु, उनके घुटनों को छू के परमेश्वर, उनके जोड़ों को छू के परमेश्वर, किसी भी जगह कोई भी दर्द है परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी आग उन्हें टच करे परमेश्वर प्रभु। आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में मांगते परमेश्वर, आपका बड़ा छुटकारा इनके जीवन में मांगते मेरे परमेश्वर। दया कर परमेश्वर, दया कर रोगों से, इनकी बीमारियों से परमेश्वर आजाद कर, छुटकारा दे परमेश्वर, इन्हें चंगाई दे परमेश्वर। अद्भुत छुटकारा और चंगाई के साथ प्रभु जी ब्लेस करें, अद्भुत छुटकारा के लिए परमेश्वर ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। जो अंधे हैं, जो बैरी, जो गूंगी दुष्ट आत्मा है परमेश्वर प्रभु, दूर हो जाए, दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए परमेश्वर। अंधे देखने लगे, बैरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। लंगड़े चलने लगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो व्हील चेयर पे हैं, जो जीवों पर निर्भर है परमेश्वर प्रभु, किसी भी प्रकार की परमेश्वर शरीर में कमजोरी है परमेश्वर, जो किसी कारणवश प्रभु चल नहीं पाते परमेश्वर प्रभु, ने टच करे आपकी पवित्र आत्मा, टच करे यीशु के नाम में, चलने फिरने लगे यीशु के नाम में, चलने फिरने लगे परमेश्वर। दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए मेरे खुदा परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य ने टच करे, टच करे, टच करे, टच करे परमेश्वर। तेरी आग इन्हें टच करे, टच करे, टच करे परमेश्वर। होली स्पिरिट को बढ़ाए परमेश्वर, अचंभित रूप से परमेश्वर इन्हें बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे परमेश्वर। तू दया कर परमेश्वर, तू दया कर परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हम विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर निराश हैं, हताश हैं परमेश्वर, अपने जीवन के दुखों को, तकलीफों को लेकर परमेश्वर प्रभु, बंधनों को लेकर, सारे दुखों को परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम में हम दूर करते हैं परमेश्वर। दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर प्रभु। हर एक बंधन यीशु के नाम में परमेश्वर टूट जाए। ओ प्यारे पिता, दया करे, दया करे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दुख तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए प्रभु। इनकी प्रार्थना विनतियों को सुने परमेश्वर, इनकी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करे परमेश्वर प्रभु जी। दया करे, दया करे परमेश्वर, दया करे परमेश्वर प्रभु। आपके सारे कार्यों में आशीष देने जा रहे हैं, आप रिसीव करें विश्वास के साथ, आप रिसीव करें विश्वास के साथ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर जन प्रभु आपके विश्वास करके प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनके परिवारों को भला चंगा रखे परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी बचा के रखे परमेश्वर। यीशु के नाम में हर एक डर भय की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। तेरी सामर्थ्य ने टच करे, तेरी सामर्थ्य ने टच करे परमेश्वर। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब कुछ प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना मेरे परमेश्वर, सब हर एक परेशानियों को सुना परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।